गुले गुलफाम फिरदौसे जान है लखनऊ, कुर्ताए कामदानी नवाबी ईमान है लखनऊ, कबाबे गलौटी पकवाने अवध की पहचान है लखनऊ, इमारत इमामबाड़ा तहजीब अवध की जुबान है लखनऊ। खुशामदीन दोस्तों, लखनऊ फूड सीरीज़ के थर्ड एपिसोड में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं आपका फूड गाइड केतन और आज हम आपको दिखाएंगे कि जब आप लखनऊ में इमामबाड़ा घूमने जाएं तो आसपास किन चीज़ों का जायका उठा सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ। हाय गाइस, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पुराने लखनऊ के अकबरी गेट इलाके में और हमारे सामने है रहीम्स कुलचा निहारी, जो कि जैसा इसका नाम है कुलचा निहारी के लिए फेमस है। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं क्यों फेमस है रहीम की कुलचा निहारी। और मुझे आज के रिव्यू में हेल्प करने जा रही हैं मेरी वाइफ पूजा। तो चलिए अंदर चल के देखते हैं रहीम की कुलचा निहारी क्यों फेमस है। पहले तो अपने शॉप के बारे में बताइए कि कितनी पुरानी शॉप है, क्या चीज़ के लिए फेमस है। नाम से तो वैसे पता चल ही जाता है कि निहारी कुलचे के लिए फेमस है, बताइए अपने शॉप के बारे में। 1890। वाह, मतलब 125 साल पुरानी हो गई। कितने बजे खुल जाती है? 7 बजे खुल जाती है। और कब तक? 11 बजे तक। रात के 11? सारा दिन निहारी कभी भी आएंगे मिल जाएगा। और क्या फेमस है यहाँ का? यहाँ का निहारी है, कुलचा है, निहारी कुलचा बहुत पसंदा है। पसंदा क्या चीज़ का? पसंदा अच्छा, आपको मिलेगा। और ऐसा कुछ हुआ है कभी कि कोई बहुत फेमस पर्सनालिटी यहाँ पे आके खाए हैं या मंगवाया है उन्होंने? नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आते रहते हैं, मुनव्वर राना रणवीर ब्राल जी आए थे, मास्टर शेफ हमारे संजीव कपूर जी। क्या बात है। तो ये आइकॉनिक शॉप है, आप देख सकते हैं कितने सारे इनके अचीवमेंट्स एंड रिकमेंडेशंस यहाँ पे डिस्प्ले में हैं। अंदर प्रॉपर डाइनिंग और सीटिंग का प्रोविज़न है जो मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ आप देख सकते हैं शीरमल बनाया जा रहा है और कुलचा ब्रेड बनाया जा रहा है। ये क्या है भैया? पाया। और ये क्या चीज़ की? ग्रेवी। निहारी की। क्या ये? मटन कोरमा और चिकन कोरमा, मटन निहारी। तो कुलचा बहुत क्रिस्पी है, निहारी हैज लॉट ऑफ फ्लेवर्स, इवन दो आई कैन सी लॉट ऑफ ऑयल फ्लोटिंग। तो आप अगर ऑयल को हटा के थोड़ा खाए तो इसमें मटन का बहुत अच्छा फ्लेवर है एंड मटन इज वेरी सॉफ्ट, इट कैन बी ब्रोकन बाई हैंड्स। ओवरऑल अ गुड डिश। तो अब रहीम निहारी कुलचा के बाद हम आ गए हैं सामने कश्मीरी चाय पीने। तो आप देख सकते हैं ये कश्मीरी चाय का पूरा सेटअप है। तो भैया हमें बताइए कश्मीरी चाय के बारे में। कश्मीरी चाय हमारी यहाँ पर पिछले 30-35 साल से रहती है। 30-35 साल से? ओके। और क्या खास है इस चाय के बारे में? ये चाय जो है बहुत मशहूर है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। टाइम बहुत लगता है, 7-8 घंटे। 7-8 घंटे जी। अच्छा, इसकी पत्ती भी अलग आती है, इसका जो मसाला होता है वो भी अलग आता है, इसमें थोड़ा बहुत वो भी पत्ते लगते हैं, उसका क्या होता है जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं। अच्छा, पिलाइए भैया एक चाय हमारे को। तो अब लेते हैं हम कश्मीरी चाय। जब तक हमारे को कश्मीरी चाय दिया जा रहा है तब तक देखते हैं और क्या मिल रहा है। शाही टुकड़ा है, हलवा है, मोहन हलवा है, ये
ये देखिए चाय बनाया जा रहा है अब हमारे लिए। क्या है ये? मलाई। मलाई मलाई डाल दीजिए सबसे पहले। देखिए गुलाबी रंग है इस चाय का। सबसे पहले तो आप चाय का कलर देख लीजिए कितना खूबसूरत है, पिंक चाय। और मैंने ये पहले कभी नहीं पिया है तो आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट आउट ऑफ इट। बहुत अच्छा इलायची का खुशबू आ रहा है। इलायची है क्या भैया इसमें? इलायची भी है तो बहुत ही अच्छा इलायची का खुशबू आ रहा है। गाढ़ी है चाय और बहुत ही एरोमेटिक है, बहुत फ्लेवरफुल है, नॉर्मल चाय जैसी नहीं है। और मुंह में मलाई के छोटे छोटे बाइट आ रहे हैं तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। भैया ये चाय का कितना? 40 रुपये। और लोकेशन एग्जैक्ट क्या बोलेंगे? अकबरी के टाल पर आप यहाँ पर आए। सागर कश्मीरी टी, साबिर कश्मीरी टी, यहाँ पर आके आप भी कश्मीरी चाय ज़रूर ट्राई करें। चाय की चुस्कियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए पास ही में गोल दरवाजे इलाके में, जहां पर मिलती है बेहतरीन मक्खन मलाई। आप भी यहां कर इसका जायका उठा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे जल्दी अगले एपिसोड में लखनऊ के और कुछ जायकों का लुफ्त उठाते हुए। टिल देन ईट टेस्टी एंड स्टे हैप्पी।